नमस्कार दोस्तों, मैं नाम सूर्य, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी कब्जा फिल्म का इवनिंग शो का रिव्यू लेने जा रहा हूँ। देखते हैं पब्लिक की क्या है राय कब्जा फिल्म को लेकर केटी गैलेक्सी में मुंबई के। फिल्म आपको अच्छी मूवी है, एक्शन अच्छा है, एक्शन अच्छा है। पीछे कैसी लगी सर आपको? अच्छी है, अच्छी एक्शन अच्छा है फिल्म में। फिल्म कैसी लगी सर आपको? बढ़िया बढ़िया है, सुपर है, सुपर एक्शन अच्छा है फिल्म का, एक नंबर। ठीक है सर, पीछे कैसी लगी आपको कब्जा फिल्म? कैसी लगी भाई पीछे कैसी लगी? ब्लॉकबस्टर, ब्लॉकबस्टर अच्छा है, पार्ट टू आएगा तो मान। कैसी लगी सर आपको कब्जा पिक्चर? बढ़िया पिक्चर लगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कब्जा फिल्म कैसी लगी सर आपको? एक नंबर, अच्छी है। एक्शन अच्छा है सर फिल्म में? एकदम एक्शन। थैंक यू। पिक्चर कैसी लगी सर कब्जा आपको? बढ़िया। एक्शन अच्छा है फिल्म में? हाँ भाई, लोग आराम से यहाँ कोशिश करते हैं। भाई फिल्म देखी आप लोगों ने, कैसी लगी सर आपको कब्जा? फिल्म देखी क्या आप लोगों ने, कैसी लगी पिक्चर कब्जा? कैसी लगी आपको? हाँ देखी ना मैं कब्जा, देखे बहुत भारी मूवी थी, अच्छा लगा। एक्शन अच्छा है फिल्म में? हाँ एक्शन बहुत अच्छा है। हीरो हमारी कैसे लगे? उपेंद्र भी अच्छा था, हीरो भी अच्छा था, एक्शन एंजॉय किया आपने? बहुत एंजॉय किया। थैंक यू भाई, बहुत लगी भाई फिल्म आपको? इट वॉज द ऑल टाइम वॉच, इज अ ऑसम फिल्म। मजा आया आपको? मुझे मजा आया, मैं कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं सोच के गया था। बहुत लोग ऐसे मीन्स एक्सपेक्टेशन सोचते हैं कि AGF कैसी है, वैसा नहीं है। वैसा आप सोचते ना फिर आपको फिल्म में मज़ा नहीं आता। लास्ट का जो क्लाइमैक्स है इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा भी नहीं, आपको उसमें धमाका लगेगा। बट इट्स अ ऑल टाइम वॉच, द VFX इज गुड, द VFX म्यूजिक इज ऑल्सो ऑल टाइम महा ब्लॉकबस्टर फॉर मी एंड फॉर द ऑडियंस। एंड आई थैंक यू टू आनंद पंडित कि उन्होंने हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन किया, बहुत ही अच्छी फिल्म है। उपी दादा जो है, इस वॉज अ ग्रेट वर्क। जी जी, और जो लोग इसको कंपेयर करें KGF से उनको क्या मैसेज आएगा आपका? बेस्ट है। देखो आप है ना, इसके असर फिर पब्लिक का क्रेज कम हो जाता है। फिर मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि कंपेयर ना करें तो बेटर रहेगा। अगर आप कंपेयर करें इसके असर फिर पब्लिक को फिर धोखा होता है। फिर मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ प्लीज़ डोंट कंपेयर थ्रू KGF अलग है, ये अलग है। ये तो अंडरवर्ल्ड से भी हाई लेवल की टाइप की VFX फिल्म है। डायरेक्शन कैसा लगा फिल्म का आपको? आज चंद्रो डायरेक्शन इज ऑल्सो ऑल टाइम धमाका। बहुत सारी फिल्म बनाई लेकिन इज द बेस्ट फिल्म। रेटिंग क्या रहेगी आपकी फिल्म के बारे में? 5 out of 5 स्टार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कब्जा क्या कहना चाहेंगे? बस एक ही बार देखने लायक फिल्म है और ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, कोई खास देखने को नहीं मिला। जैसे हम लोग सोचे थे कि साउथ इंडियन मूवी आती है, बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छे धमाल करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा एक्शन स्टार्ट से लेकर एंड तक एक्शन मज़ा आया फिल्म देखकर? एक्शन बस क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब कोई फाइट हो रहा है तो कुछ उसमें रीज़न होना चाहिए, कुछ नहीं बस एक नॉर्मली बस गन चल रहा है AK-47 और कुछ भी इसमें खास नहीं। अच्छा, जैसे अपने को दिखने को मिलता है KGF में ऐसा कुछ था ना भाई, कुछ भी स्टोरी इसमें कोई स्टोरी नहीं, कुछ नहीं स्टोरी में, बस चल रहा है और नॉर्मली। और बादशाह पिक्चर सदीप है, उनका जो छोटा सा रोल था वो कैसे लगा आपको? हाँ उनका रोल बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और लास्ट में जो एंट्री होती है शिवराज कुमार सर की, उनकी एंट्री कैसी? उनकी तो बहुत ज़बरदस्त, बस वही है, उनके वजह से इंसान देखने आएगा पार्ट टू अगर देखने का मन किया तो, बस वही चीज़ है। और बाकी कुछ में दिल तोड़ दिया क्या पिक्चर ने? जैसा सोचे थे वैसा कुछ भी नहीं निकला स्टोरी में, जैसा ट्रेलर में देखे हम लोग वैसा कुछ भी नहीं समझ में आया। मतलब पैसा वसूल नहीं है? म्यूजिक कैसा लगा? म्यूजिक तो बहुत बढ़िया, म्यूजिक एक नंबर, म्यूजिक के लिए एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर 2 के लिए आप इंतजार करेंगे? बस वही लास्ट इनके वजह से ही, जो लास्ट में जो थोड़ा बहुत देखने को मिला। हिंदी में चलेगी कि नहीं? हिंदी ऑडियंस को पसंद आएगी मूवी सर? हिंदी ऑडियंस को तो देखो आप, रिस्पांस तो कुछ खास वैसा लग ही नहीं रहा है, फिर भी देखो। मतलब आपका पैसा वसूल हुआ कि नहीं मेरे को ये बताओ? नहीं पैसा वसूल नहीं हुआ। चलिए रेटिंग क्या है 5 में से? बस समझो वही 5 ही देगा, 10 में से 5 ही देगा। चलो ठीक है समझे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कब्जा कैसे लगी आपको पिक्चर? कब्जा एकदम अच्छा नहीं लगा दोस्त। अच्छा हाँ एकदम अच्छा नहीं लगा, मतलब स्टोरी शुरू कैसे हुआ कैसे एंड होगी अपने को कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ सर क्या लगता है? बहुत घाई घाई करके दिखाया था, फास्ट बहुत फास्ट है, बहुत अच्छा। बहुत फास्ट है, जैसे एक अपना एक हीरो होता है एक विलेन होता है, दोनों में आपस में बात होगा, लड़ाई होगा, फाइट होगा, इसमें कुछ भी नहीं। हीरो मतलब जो सोचता है हो जाता है। अच्छा, हाँ और दूसरी बात ये मतलब ये जो हीरो है ना अपना उपेंद्र सर, वो थोड़ा सा मतलब पुराने ख्यालों पुराने ज़माने वाला आदमी है। अभी अपने लोग को कैसा जैसा KGF रॉकी पुष्पा ऐसे अपने को एक्टर चाहिए, अभी ये थोड़ा सा पुराना ख्याल वाला अपने को नहीं समझ में आएगा। और इनका रोल भी नहीं, अपना शक्ल भी अपने को पसंद है, क्योंकि एक्शन का जो मतलब होना चाहिए बैकग्राउंड होना चाहिए वो मज़ा नहीं आया। बाकी जिसने म्यूजिक दिया है उसको थैंक यू, म्यूजिक अच्छा? हाँ म्यूजिक बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको थोड़ा सा मतलब कुछ नया लेके आना कोशिश किया, लेकिन बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा एक्शन जो भी सीन थे, एक्शन सीन कैसे? एक्शन सीन फाइटिंग सब सही था सर। हाँ स्टोरी मिसिंग? स्टोरी बहुत मिसिंग, बहुत फास्ट था, बहुत फास्ट, ना फाइट था ना कुछ भी था। जी
और स्टीव का रोल कैसा लगा? छोटा सही था लेकिन कैसा लगा? हाँ, उनका भी आराना सर, उनका वेट करूंगा आफ्टर 2 इयर्स 1 इयर्स जब भी आवे मैं उनको देखने आऊँगा पार्ट टू। शिव अन्ना का ही बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, शिव अन्ना का ही बात कर रहा हूँ, उनको मैं मतलब अपना तो भाई फेवरेट हीरो एक्टर है, उनका भाई पहले था अब नहीं रहा, अब इनका वेटिंग करेंगे आफ्टर वन। हाँ सर, और डायरेक्शन कैसे लगा चंदू का? नहीं, डायरेक्शन सही था लेकिन पिक्चर को मतलब तालमेल नहीं बिठा पाया। हाँ, तालमेल होना चाहिए, कहाँ से कैसा जाना चाहिए क्या था, और पहली बात तो इतना विलेन नहीं चाहिए ही नहीं पिक्चर में, कम से कम 1 2 3 4 5 विलेन क्या जरूरत है। और दूसरी बात, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि KGF का हूबहू बनाया, कंपेयर मत करो भाई। हाँ, ऑडियंस से भी, पब्लिक से भी मैं एक ही बात बोलूँगा, KGF से कंपेयर मत करो। रेटिंग क्या है 5 में से आपकी इस फिल्म को? मैं तो किसी को दिया नहीं सर, इसमें पार्ट वन में मैं एक रेटिंग भी नहीं दूंगा, समझो ना, क्योंकि मैं मुंबई में फर्स्ट टाइम, मुंबई में क्या कहीं भी थिएटर में फर्स्ट टाइम सो गया था। सो गए थे? हाँ, पहली बार। चलिए, चलो, थैंक यू सर।